आईपीपीस कंपनियों ने ऐसा इस मुल्क को लूटा है, आप कह सकते हैं कि शायद इन सियासतदानों ने भी इतना ना लूटा हो। इस किस्म की डील्स नवाज शरीफ जरदारी इनके साथ करके गए हैं कि आपको अंदाज़ा होगा कि असल करप्शन कैसे होती है। 5 आईपीपीस कंपनियों को टैक्स फ्री अदायगियां किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया है। आईपीपीस कंपनियों को की जाने वाली अदायगियों के हवाले से सालाना रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि एनर्जी सेक्टर की जानिब से 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियां की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एंग्रो पावर को सिर्फ 54% सलाहियत पर 74 अरब रुपए की अदायगी की गई, जबकि हब पावर को सिर्फ 16% सलाहियत पर 260 अरब रुपए की अदायगी की गई। इसी तरह लकी ग्रुप को 28% सलाहियत पर 62 अरब रुपए सालाना अदायगियां की गई। मियां मंशा का पावर हाउस सिर्फ 13% बिजली पैदा कर रहा था अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के मुकाबले में, और उसे सालाना तौर पर 25.6 अरब रुपए की अदायगी की गई, जबकि सफायर पावर हाउस को 34% सलाहियत पर 34 अरब रुपए की अदायगी की गई। इन तफसीलात के हवाले से वजारत तवानाई का कहना है कि आईपीपीस को माहिदों के तहत अदायगियां की गई हैं, ऑडिट वाले इसकी जिम्मेदार हैं। इन कंपनियों को सालाना बुनियादों पर अदायगियां की जाती हैं, अगर इन अदायगियों में कोई बेजाबतगी हो तो सामने लाई जाए, इस पर कार्रवाई होगी। यानी कि ये अदायगियां आप कह सकते हैं कि कानूनी है, कोई इन्होंने फ्रॉड नहीं किया, ये अदायगियां जो हैं वो कानूनी तौर पर की गई हैं। लेकिन ऐसे माहिदे पीछे से नवाज शरीफ जरदारी इनके साथ करके गए हैं कि इनकी मोजे लग गई हैं। आप दुआ दें इमरान खान को कि उन्होंने जो आईपीपीस के साथ माहिदा था उसमें डॉलर की कीमत को 144 पर मुकर्रर कर दिया था, इसलिए आज जो बिल्स आ रहे हैं वो भी इमरान खान की मेहरबानी से आ रहे हैं। अगर इमरान खान 144 पर ये जो डील है ये ना रोकते तो यहाँ पर जिसको इस वक्त 30,000 का बिल आ रहा है वो 70,000 रुपए का आता, और जिसको 70,000 आ रहा है वो आज 1.5 लाख का बिल आता, और पाकिस्तानी कौम इन आईपीपीस को ही पालती रहती। और जाहिर है कि ये जो डील्स की गई हैं इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स कमीशन खाते हैं, नवाज शरीफ ने कमीशन खाया, ऐसे ही ऐसी बेकार डील्स उन्होंने नहीं की। अब साबिक निगरान वजीर तजारत डॉक्टर गोहर एजाज ने आईपीपीस के हवाले से मजीद इंकशाफात करते हुए कहा है कि 3 ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनसे 0 यूनिट्स बिजली पैदा हुई और बदले में इन प्लांट्स को 2,000 करोड़ रुपये अदा कर दिए गए। यानी कि अंदाज़ा लगाएं आप कि इन प्लांट्स ने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की और इसके बावजूद इन प्लांट्स को जो है वो करोड़ों रुपया 2,000 करोड़ रुपया अदा किया गया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कौम ने कैसे तरक्की करनी है।